आ गया है न्यू अपडेट रामदेवरा यात्रा का। और दोस्तों फिर से स्वागत है एक न्यू व्लॉग में, और आज का व्लॉग है रामदेवरा यात्रा। काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहा था कि भाई साहब बताइए रामदेवरा की यात्रा कब से निकल रही है, तो कब चालू होगा मेला, तो वो सारा अपडेट आज आपके लिए लेकर आए हैं। अपडेट यूं तो बता दें कि 1 अगस्त से रामदेवरा यात्रा प्रारंभ हो गई है, पैदल यात्री निकल चुके हैं और कुछ मोटरसाइकिल यात्री आज निकलने वाले हैं। तो कुछ यात्रियों का तब हम सूट नहीं कर पाए, तो आज मोटरसाइकिल यात्रा यहाँ से निकल रही है बरखेड़ा से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसी क्या तैयारी है और कहाँ कहाँ होते हुए जाते हैं, ये सारे ब्लॉग के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजू विश्वकर्मा में। आप अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ चलते हैं बरखेड़ा। दोस्तों जैसा बताया था मैंने अभी सुबह की, मैं बरखेड़ा पहुंच चुका हूं और यहां से निकल रही है मोटरसाइकिल से रामदेवरा के लिए यात्रा। तो मैं यहां पहुंच चुका हूं और ये सारी गाड़ियां कंप्लीट हो चुकी है और ये सभी बैग वगैरह रखे हैं इन लोगों के। तो यहां से करीबन 8 लोगों की टीम जा रही है और 4 मोटरसाइकिल है इनके साथ। तो अभी मंदिर में आए हुए हैं सब लोग प्रणाम करने, मंदिर से यहाँ से फिर विदा होगी इन लोगों की। तो चलिए दोस्तों आगे का प्रोसेस बताता हूँ मैं, और इन लोगों से पूछेंगे भी ये लोग कहाँ कहाँ होते हुए कैसे रामदेवरा पहुँचेंगे, वो सारी जानकारी आपको इस ब्लॉग के माध्यम से देता हूँ। दोस्तों ये 8 बंदों की टोली आज रामदेवरा के लिए निकल रही है। आज है 12 अगस्त 2023। गुणीचा धाम का हमारा मध्य प्रदेश से, वैसे तो पैदल यात्री बहुत सारे निकल चुके हैं लेकिन मोटरसाइकिल यात्रा ये फर्स्ट निकल रही है, उसका अपडेट आपको हम दे रहे हैं। तो यहाँ से 8 आदमियों की टोली मोटरसाइकिल से जा रही है और बाकी ये सब ग्रामवासी हैं जो इनको विदा में छोड़ने आए हैं। तो चलिए दोस्तों इनसे पूछेंगे हम कि ये कहाँ कहाँ होते हुए जाएंगे और कैसे पहुँचेंगे और इनकी रास्ते में क्या व्यवस्था रहती है, वो सारा कुछ हम बताएंगे आपको। बने रहें ब्लॉग में। दोस्तों जय बाबारी। जैसा मैंने आपको अभी सुबह बताया था कि मैं जा रहा हूँ बरखेड़ा और यहाँ से जा रही है मोटरसाइकिल यात्रा रुणीचा धाम राजस्थान के लिए। तो ये 8 लोगों की टोली है। हम पूछते हैं कि इनको कितने साल हो गए हैं और कब से जा रहे हैं और क्या क्या व्यवस्था रास्ते में रहती है यात्रियों के लिए और कैसे ये पहुँचेंगे, कहाँ कहाँ होते, तो वो सारी जानकारी आपको देंगे इस ब्लॉग के माध्यम से। तो क्या नाम है आपका? रामराज विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम बरखेड़ा तहसील रेहटी जिला सीहोर मध्य प्रदेश। अभी कहाँ जा रहे हो आप लोग? बाबा रामदेव। बाबा रामदेवरा। तो क्या रूट रहेगा, आप कहाँ कहाँ होते जाओगे? रामदेवरा से यहाँ से जाएंगे, पहले तो देवास माता जी के यहाँ दर्शन करेंगे जी, चामुंडा माता के दर्शन करते हुए उज्जैन महाकालेश्वर जी, उसके बाद में फिर जाएंगे अपने नागदा जी, टाटा बिरला मंदिर जी, होते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे जी। तो कितने दिन की यात्रा है आपकी? ये लगभग लगभग 10 से 12 दिन 15 दिन हो चुके। अच्छा, तो बीच में रास्ते में क्या अपना साधन ले जाते हो कि रुकने बैठने की व्यवस्था बनी रहती है? बैठने की व्यवस्था के लिए बाबा के रसोड़े चल रहे हैं, व्यवस्था वही है, बस बाबा के सहारे जी। तो दोस्तों ये बाबा के सहारे जा रहे हैं और बाबा ही सारी व्यवस्था लगाएगा इनकी। तो दोस्तों इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें क्योंकि ये हमारे यहाँ से पहली यात्रा मोटरसाइकिल की निकल रही है। पैदल यात्री तो करीबन 1 अगस्त से चालू हो चुके हैं रामदेवरा के लिए, लेकिन मोटरसाइकिल यात्रा ये पहली यात्रा आज 12 अगस्त 2023 को यहाँ से निकल रही है। तो सभी की मंगल में कामना करते हुए सभी की यात्रा मंगल में रहे, बाबा हर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, ऐसे आशीर्वाद और विश्वास हम बाबा से चाहते हैं। तो जोर से जयकारा लगाएं बाबा का, बोल रामदेव बाबा की जय, रामदेव बाबा की जय, रुणीचा श्याम की जय, मेरा देना लाल की जय, बोलो लीले घोड़े असवार की जय, जय बाबेरी जय, हो महंगल की जय, बोलो चामुंडेश्वरी तुलजा भवानी की जय, नर्मदा मैया की जय, विजयाशन मैया की जय, जय बावेरी जय बावेरी, जय बावेरी, जय बावेरी, बोलो रुणीचा श्याम की जय। दोस्तों आज का व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से
शेयर करना और घंटी का भी लाइक दबाना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में नई यात्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय ओम, जय बाबा जी।